नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे आज के इस एप्टीट्यूड सीरीज के कंसेप्ट बिल्डर सेशन में। आप लोग ये वीडियो जहां पर भी देख रहे होंगे, यूट्यूब में, फेसबुक में, आप इंस्टाग्राम में, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। उसमें अभी डेडिकेटेडली कंसेप्ट बिल्डर वीडियोस मैं आप लोग के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि अभी आपका जैट का एग्जाम आ रहा है, आईएफटी का एग्जाम, सॉरी आईएफटी तो खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग आईएफटी हुआ कैसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 35.50, उससे कम आना चाहिए कट ऑफ, तो ये मेरा ओपिनियन है। मैं एक आध बार अगर समय मिला तो अभी आपको मैं अलग अलग करके बता दूंगा कितना कितना कट ऑफ आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 30.5 जनरल कैटेगरी कम आना चाहिए कट ऑफ। ठीक है, चलिए। इस बार क्योंकि एलआर टफ था, एलआर वॉज रियली टफ, इस बार छोटे क्वेश्चन एलआर के थे नहीं, तो वहां से कटना चाहिए कट ऑफ को, बाकी फिर देखते हैं जैसा भी होता है। इसके अलावा इसके पहले जो भी आप चाहे जो भी एग्जाम दिए, कैट, अगर आप पूछते कैट के नए बच्चे होंगे जो 2019 में एग्जाम देने वाले होंगे, या जो एग्जाम्स बचे हैं, जो एग्जाम हो गए ना, अब उसमें ज्यादा परेशान मत होना, कभी भी ओवर एनालिसिस नहीं करना। वंस इट इज डन आप चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट है। अब नए एग्जाम की तैयारी करो, स्नैप दो, टेस्ट के डेट्स बची हुई टेस्ट फिल करो आप, इसके अलावा सीमैट की डेट्स बची हैं सीमैट फिल करो आप, मैट की डेट बची हुई है मैट फिल कर दो, माइका का फर्स्ट स्लॉट वो हो गया, डेट खत्म हो गई है, सेकंड स्लॉट जो भी ओपन होगा जनवरी में जरूर फिल करना, मेक श्योर आप फिल करो। और आपको एमएचसीईटी फिल करना आप, ये बिल्कुल मत छोड़ो, ऑप्शंस क्रिएट करो, जब ऑप्शंस क्रिएट करोगे तब आपको मजा आएगा। जो भी बच्चे बैंक वाले हैं, अब यहाँ से आप लोग के फॉर्म्स निकलेंगे, ध्यान रखिएगा, आज से कुछ महीने बाद आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवेज के भी एग्जाम निकलेंगे, पोस्टमेंट बैंक, आरआरबी, बहुत सारे लाइन से निकलेंगे। याद रखिएगा, सक्सेस कम्स टू प्रिपेयर्ड सोल, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कट 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 आपके एग्जाम निकलेंगे, नहीं तो लाख एग्जाम निकलते रहे हम जिंदगी और फॉर्म भरते रहे, ऐसा नहीं निकलते एग्जाम्स। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा, जैसे अपॉर्चुनिटी मिले कट से क्रैक करेंगे। फाइन, चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। चलो भाई, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप लोगों से प्री रिक्वेस्ट है जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी का जो सेशन एमबी ट्रेनर एप्टीट्यूड सीरीज में कंसेप्ट बिल्डर सेशन है, इसमें आपको कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन तो खैर बीच में आ ही जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है लॉगरिथम की वीडियो का पार्ट टू है, मैंने पार्ट वन पहले बना दिया है, इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा, लॉगरिथम पार्ट वन लिखा हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक गिवन है, आप वो देखिएगा। और बिलीव कीजिए, ऐसा मत देखिएगा वरना वीडियो आपको मजा नहीं आ पाएगा। तो ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देख के ही आएगा। मैंने 5 रूल बताया और एक डेफिनेशन, मतलब 6 पॉइंट्स, और इस 6 पॉइंट्स से लॉ के ज्यादातर प्योर क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। आज का जो एजेंडा है हमारा, बेसिक, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, उन जितने भी रूल्स को जो मैंने लास्ट क्लास में बताया उसको देख के। फाइन, चलो जी आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स, सेट नंबर 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1। सर मेरा लॉग एकदम खराब है सर, एकदम अच्छा नहीं, यहाँ से अच्छा करो ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 एकदम बेसिक से लिया मैंने क्वेश्चन। सर मैं ना सोचा मैट का एग्जाम दूंगा, सीमैट का एग्जाम दूंगा, स्नैप का एग्जाम दूंगा, एमएचसीटी का एग्जाम दूंगा, बैंक का, पीओ, क्लरिकल, आरआरबी, रेलवे, ये साथ में करो ना, इसके बेसिक क्वेश्चन एकदम। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। लॉग 32 टू द बेस 2, क्या लिख दें इसे, लॉग 2 टू द पावर ऑफ 5 टू द बेस 2। आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको, मैंने सारी चीजों के लिए रूल लिखवाया हुआ है, एक बार प्लीज अगर नहीं देखें तो जरूर देखिए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसा पावर उठ के आगे आई तो ये हो गया 5, log 2 टू द बेस 2 इज 1, 5 इंटू 1 दैट इज 5, अपना आंसर आ गया, सही है भाई। चलो इधर देख लेते हैं, log 243 मतलब 3 टू द पावर ऑफ माइनस 5 दिस इज 3, सही है, पावर उठ के आगे आए, क्या लिखो जी इसका आंसर में, ये लिख दिया हम लोगों ने माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, सुपर है, दोनों आंसर आ गया। ये इसमें ज्यादा उठा पटक नहीं करना है, लॉग 5 दिस इज 5 रूट 5, 5 रूट 5 को हम कैसे लिखते हैं भाई, दबे 5 रूट 5 को आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसा, तो ये हो गया 5, ठीक है, बाहर करो इसे, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 3 बाई 2 log 5 टू द बेस 5, आंसर आ गया 2/3, ठीक सही है, यहां तक स्मूथ चल रहा होगा। इधर चलो, log 0.1 को क्या लिखो, सर 0.1 इज 10 टू द पावर ऑफ माइनस 1, दिस इज 10 स्क्वायर, राइट, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाहर कर दो, 2 बाहर कर दो, ये सब मैंने पिछले क्लास में बोला है ना, सो दिस इज माइनस हाफ, लॉग 10 टू द बेस 10, अल्टीमेटली
दिस इज द आंसर। ठीक बात है भाई, ये क्वेश्चन ना कैट में आया था, हालांकि काफी साल पहले आया लेकिन कैट में आया जरूर है, तो इसको बाकी एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगा दिएगा। कैट ने तो अभी 2018 में एकदम एब्रप्टली लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वांटम इंक्रीज किया, लेकिन अगर पिछले 2-3 साल के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आ जाता था कैट में। ठीक है, हालांकि ये तो काफी पुराना है, मैं पिछले 2-3 साल का भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये हो गया लॉग बेस, तो ऐसे रहेगा। अच्छा, इसको क्या लिखूं भाई, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें समझने का क्या है? ये देखो 216 √6, दिस इज 6³, 6 to the power of 1/2, 6 to the power of 7/2। नहीं चलो जी, अगर ऐसा है तो 6 to the power of 7/2, 7/2 हो गया बाहर, सो दिस इज 7/2 log 6 to the base 6, दिस इज 1, अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर? 7/2। क्लियर है आपको? आप में से कितने बच्चों के 5 out of 5 करेक्ट हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, यहां तक कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट? देखिए फिर से लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल सेट नंबर 02 लेवल ऑफ डिफिकल्टी वापस से 1। वीडियो को पॉज करना, एक बार बनाना, फिर अपना आंसर चेक करना। मैंने लिखा है 3 to the power of -1/2 log 9 to the base 3, 2 to the power of 2 - log 5 to the base 2, 10 log m to the base 10 plus log n to the base 10, 2 to the power of log 5 or log 15, 2 root 5, 5.8 log 10 to the base 5.8 plus 1। पहले वीडियो को पॉज करके खुद बना के देखना, उसके बाद सुनना। चलो ये अगर पॉज करना तो यहाँ पॉज कर लो। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पॉज किए, अब आप इसका डिस्कशन सुनो। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक ही पॉइंट बोला था, जब लॉग जो है ना पावर में चला जाता है, और मैंने आपको बोला था अगर ये दोनों चीजें मैच कर गई तो लिख दो n। ठीक बात है, तो ये तो ऑलरेडी मैच कर रही है, और इससे ज्यादा कोई क्या ही मैच करेगा। सो नाउ दिस इज 3 log 9 to the power of -1/2, तो ये रहा हमारा n, तो ये आगे 9 to the power of -1/2। व्हाट इज 9? 3 square, 3 to the power of -1 मतलब 1/3, करेक्ट है। चलो जी, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 square। इस माइनस का मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में आएगा, कौन आएगा? ये 2 के साथ ये पूरी चीज, मतलब 2 to the power of log 5 to the base 2, करेक्ट है। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था ये a, देखिए ये दोनों चीजें मैच कर जाए तो n बच गया, तो ये बच गया 2 square upon 5 मतलब 4/5। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट देखिए, ये देख लेते हैं, ये हो गया log m, दिस इज log m टू द बेस 10, हालांकि ये 10 पावर में, ये सब जो मैं लिख रहा हूं ऐसे लिख रहा हूं। अब आप नोटिस करो, ये दोनों चीजें तो हो गई एक, करेक्ट पॉइंट है ना भाई। दूसरी चीज 10 log n टू द बेस, ये देखिए ये भी रहा ए, क्या लिख दो बताइए आप ही। सर ये हो गया m इंटू n, सुपर करेक्ट आंसर, सही। ये देखिए, चलो ये देख लेते हैं, ये रूट फाइव नहीं रूट टू है, इसे रूट फाइव लिखा होता है, सॉरी दिस रूट टू। तो ये आपको ऐसे अंदाजा हो गया, दिस इज 2 log 15, ये क्या 2 root 2 मतलब 2 to the power of 3/2, नहीं अरे बाहर करो यार, इसे बाहर करो, ये लो। सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? आई एम लेफ्ट विथ दिस, क्या बचा अपने पास? दिस इज 2 log 15, बेस में आ गया 2, और 1/1 ये हो गया 3/2, 3/2 मतलब बेसिकली 2/3, सो दिस इज व्हाट द आंसर इज, 2 to the power of log 15, 2, और ये हो गया 2/3, नेट नेट व्हाट इज द आंसर? 15 to the power of 2/3, सही बात है भाई। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है यार, कैसे 5.8 log 10, ये हो गया 5.8 into 5.8, नहीं हम लोगों ने जो बोला कि दोनों अगर सेम है तो 10 बच गए, और ये हो गया 5.8, आंसर कितना आ गया 58, सुपर सारा आंसर आया हमारे, करेक्ट है। लास्ट आप देख सकते हैं मैंने एक और एग्जांपल सेट लिखा है, ये वन सेकेंड एग्जांपल सेट है,
उसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तीनों क्वेश्चन को. दिस इज 8 टू द पावर ऑफ लॉग रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ 121 टू द बेस 2 प्लस 1/3 लॉग मतलब स्क्वायर रूट लॉग स्क्वायर 4 टू द बेस 0.5 लॉग 5 टू द बेस 3 इनटू लॉग 27 टू द बेस 25. वीडियो को पॉज करके तीनों क्वेश्चन को पहले बनाइए, उसके बाद ही डिस्कशन सुनिएगा. चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तीनों क्वेश्चन को बनाया, पॉज करके वीडियो को आप डिस्कशन सुनो. इस क्वेश्चन इसको आप देखो, पहले सिर्फ यहां तक को देखो. क्या है भाई ये? हो गया 8. दिस इज लॉग, बेस में आ गया 2. 121 तो बेसिकली 11 टू द पावर 2/3 क्योंकि क्यूब रूट है ना, प्लस तो प्लस मतलब बेसिकली दिस 8 टू द पावर ऑफ 1/3 नहीं ये दो ना, 8 को मैं क्या लिखूं 2 क्यूब, ये हो गया लॉग दिस, ये हो गया 11 2/3 इंटू 2 क्यूब. थोड़ा सा अभी एकदम स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, तो आप समझो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी. ये 3 उठ के इधर पीछे की तरफ आएगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये रहा 2, ये रहा 2, तो क्या बच गया 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर मतलब 121, ये रहा 3 और ये रहा 3 कैंसिल, तो क्या बच गया 2. व्हाट इज द आंसर? 242. नाइस क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं लेकिन ना इट लुक्स प्रीटी गुड क्वेश्चन. द रीजन बीइंग बिकॉज दिस एंड स्क्वायर रूट, अगर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर तो आप बाहर निकालो तो एक्स आ जाएगा, ठीक उसी तरह से अगर आप इसको बाहर निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा लॉग 4. बस दिस इज द रीजन, दैट इज दिस इज द रीजन कि क्यों अच्छा क्वेश्चन. लॉग 4, 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर. अच्छा सुनो ना, 0.5 को 0.5 मतलब बेसिकली 5/10 मतलब हाफ, सही लिखना. तो हाफ को मैं ऐसे लिख दू 2^-1. अब इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला पावर, ये पावर रूट के आगे आ गई, पावर इधर से आगे आ गई, सो व्हाट एम आई लेफ्ट विद? माइनस हाफ, आई एम लेफ्ट विद माइनस हाफ एंड लॉग 2 टू द बेस 2 व्हिच इज 1, अल्टीमेटली माइनस हाफ इज द आंसर. राइट, नाइस. ये भी देख लेते हैं, अब आप बिल्कुल भूले नहीं होंगे, मेरे को उम्मीद है. या हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, लॉग 5 कोई भी अपना बेस ले लो, बेस 3, ये हो गया लॉग 3 टू द बेस 10 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर. करेक्ट, पावर रूट के आगे आई, पावर रूट के आगे आई. अब देखो ना 3 बाई, यहां से 3 बाहर आया 2, बाकी लॉग 3 लॉग 3 लॉग 5 लॉग 5, तो आंसर क्या बच गया? 3/2 ही तो बचा. करेक्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हुए. तो हम लोगों ने टोटल 5, 5, 10 और 3, 13 एग्जाम्पल, 13 एग्जाम्पल्स देखे. ये 13 के 13 एग्जाम्पल जो थे बढ़िया बेसिक एग्जाम्पल्स थे. यहाँ तक आप सभी क्लियर हो गया, इसके आगे फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं. तो अभी तक मैंने लॉग के 2 वीडियो, इसके पहले एक वीडियो बनाया और एक वीडियो अभी बनाया, ठीक है. इसके पहले जो थे 5 पॉइंट्स थे, 5 रूल्स प्लस एक डेफिनेशन, मतलब 6 पॉइंट्स थे. उस जो एक डेफिनेशन जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको मैं डीएस में आपसे पूछूंगा, डीएस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं लॉग के. मैं आपको रियली बता रहा हूँ, लॉग के आजकल हर एग्जाम में तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं. अच्छा रखिएगा लॉग, और ये 5 पॉइंट के खेल है. मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया. इसके आगे की चीज़ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, एक तीसरा पार्ट बनाएंगे इसका, वो भी अपलोड हो जाएगा, उसको भी देखिएगा. तब तक ये नोट्स को बढ़िया करके रखिएगा, कि जो मैंने क्वेश्चन को बोला एक बार प्रैक्टिस करके रखिएगा. फाइन, तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे. Bye-bye everybody, take care.